नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पंजाब के अंदर बीजेपी की करारी हार हुई, इतनी करारी हार कि खाता तक नहीं खुल पाया, जमानत जब्त हो गई। लेकिन एक हार ने बीजेपी के नेताओं को इतना तोड़ दिया कि वो मीडिया के सामने आकर के रोने लग रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हम लोग हारे हैं। जिस ईवीएम की ये पूजा करते आए हैं, 2014 से की जीत हो, उसके बाद में 2019 की जीत हो, और अलग अलग राज्यों में हो रही पूर्ण बहुमत की प्रचंड जीत हो, और उसके बाद में ईवीएम के ऊपर विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन ये लोग ईवीएम की पूजा करते आए हैं। लेकिन उसी ईवीएम को लेकर के किस तरह से बीजेपी के नेता रोने लग रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमारे साथ में धोखा कर दिया। एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बीजेपी की एक महिला उम्मीदवार थी और उनको केवल 9 वोट मिले, 9-10 भी नहीं मिले, 2 अंकों में भी नहीं पहुंच पाई, केवल 9 वोट मिले, और उसके बाद में वो मीडिया के सामने आकर के रोने लग गई। उस महिला की वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा बता देते हैं ताकि आप समझ सके, क्योंकि वो महिला जो है वो पंजाबी में बोल रही है। इस महिला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया, हमारे घर के ही 15-20 वोट हैं, लेकिन मुझे 9 ही वोट मिले। हमारी पूरी गली ने कसम खा करके वोट डाले हैं, लेकिन उसमें से एक भी नहीं निकला। मैं जीत रही थी, मेरी सारी वोट कांग्रेस पार्टी को डाल करके मुझे हरा दिया गया। रातों रात मशीन बदल दी गई, इस महिला ने कहा है। मैं पार्टी की तरफ से 12 बार जीतती हुई आई हूं, इस महिला ने यहां पर कहा है। मुझे केवल इतने ही वोट मिले, ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस ने गलत किया है, कांग्रेस हाय हाय, ये नारे लगाने लग जाती है। और इस ये News24 की भी आप ये ट्वीट देख लीजिए। News24 ने शाम को 4:03 पर 17 फरवरी को ये ट्वीट किया है, और News24 ने लिखा है, हार के बाद बीजेपी उम्मीदवार ने लगाए ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप, कहा मेरे घर में ही 15-20 लोग हैं, फिर मुझे कुल 9 वोट मिले, ऐसा क्यों हुआ। आप खुद तरह से मीडिया के सामने रो रही है, ईवीएम का रोना रो रही है, उसी ईवीएम का जिसकी ये लोग पूजा करते हुए आए हैं। लेकिन आपको जानकर के अचरज होगा कि जिस ईवीएम की आज ये लोग पूजा कर रहे हैं, पूरा देश ईवीएम हटाने की, ईवीएम बैन करने की और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की बार बार मांग करता है। विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं, आप किसी भी विपक्ष के बड़े नेता का नाम लीजिए, राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, जितने भी बड़े नेता हैं विपक्ष के सारे बैलेट पेपर से, अखिलेश यादव, वो सारे के सारे जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते आए हैं, लेकिन बीजेपी नहीं मानती है। लेकिन अब बीजेपी के उम्मीदवार ही रोने लग रहे हैं। कायदे से तो इनको जो है वो अमित शाह जी के पास और नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर के कहना चाहिए कि ईवीएम को बैन कर दीजिए, लोग भी खुश हो जाएंगे। लेकिन आपको जान करके जो है वो अचरज होगा कि बीजेपी के कद्दावर नेता नरसिम्हा राव जो है, उन्होंने ये किताब लिखी थी, आउटलुक मैगजीन में भी जो है खबर छपी थी, और इस खबर में लिखा है, भाजपा के इस बड़े नेता ने ईवीएम पर लिखी थी किताब, बताया था कि क्यों हो सकती है इससे छेड़छाड़। ये भाजपा के नेता जो है वो ईवीएम पर किताब लिखते थे, और इसमें लिखा था कि एक वक्त था जब खुद भाजपा के कई दिग्गज नेता ईवीएम के विरोध में मजबूती से खड़े थे, यहां तक कि पार्टी के मौजूदा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर के पूरी किताब ही लिख डाली थी। उस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी, आज जैसे नरेंद्र मोदी हैं, उस समय पर लाल कृष्ण आडवाणी थे, लाल कृष्ण आडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी भी बड़े नेता हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने विशेषज्ञों की सहायता से ईवीएम मशीन के साथ होने वाली छेड़छाड़ और धोखाधड़ी को लेकर के पूरे देश में सघन अभियान चलाया था, यानी भाजपा ईवीएम का विरोध करने वाली सबसे पहली राजनीतिक पार्टी है। लेकिन बाद में 2014 के बाद में ना जाने ईवीएम का ऐसा कौन सा पासवर्ड जो है वो इनको पता चल गया, जिससे सारी सेटिंग कर लेते हैं क्या, जैसा लोग आरोप इन पर लगाते हैं कि ईवीएम से इनको इतना प्यार हो गया। लेकिन अब ईवीएम से ही इन्हीं के नेताओं को दिक्कत हो रही है, तो क्या नरेंद्र मोदी अब ईवीएम को बैन करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है, या फिर ईवीएम नहीं बल्कि लोगों का जो मन है वो बदल गया है,
आप जिस तरह से बात करते थे कांग्रेस मुक्त भारत, अब बीजेपी मुक्त जो है वो प्रदेश हो गया है, पूरी तरह से बीजेपी मुक्त प्रदेश हो गया है पंजाब। और आपको जो है हैरानी होगी ये जानकर के रणवीर शौरी हैं, मोदी के बड़े भक्त हैं, और इन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट में ओपिनियन पोल इन्होंने किया, इन्होंने लिखा कि आपके पास में अगर दो च्वाइस हो, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, किसको चुनेंगे? इसमें 3,45,000 लोगों ने वोट किया और इसमें 59% लोग जो है वो राहुल गांधी को मान रहे हैं और नरेंद्र मोदी को 41%। आप कोई भी ओपिनियन पोल करा लीजिए, सारे ओपिनियन पोल में बीजेपी, उसकी लोकप्रियता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज, हर किसी चीज में, हर किसी मुद्दे पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन एक ईवीएम की वजह से ही बीजेपी लगातार जीतती है, ऐसा कैसे हो सकता है? और ईवीएम के ऊपर अगर ये खुद के नेता जो है वो सवाल उठा रहे हैं, तब तो ईवीएम को बैन कर ही देना चाहिए। लेकिन कोई कहते हैं ना कि नफरत से और किसी को गाली दे करके आप जीत नहीं सकते। राहुल गांधी की एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, तमिलनाडु की एक लड़की जो है वो राहुल गांधी से मिल करके किस तरह से फपक फपक कर रोने लग गई है, फूट फूट करके रोने लग गई है। आप भी देख करके इसको भावुक हो जाएंगे, देखिए जरा। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का दिल आप नफरत से, झूठ बोल करके, जुमलेबाजी करके, डरा करके, धमका करके उनके दिल को नहीं जीत सकते हैं। आप प्यार से ही किसी को अपना बना सकते हैं। और शायद यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं के जो बड़बोले बोल हैं उनकी वजह से, जो नफरती बोल हैं उनकी वजह से लोग अब उनसे कट रहे हैं। और राहुल गांधी, जिसको ये लोग बार बार जो है एक पप्पू की छवि में घड़ते आए, उनको लेकर के लोग जो हैं वो किस तरह से प्यार में उमड़ रहे हैं, उनके लिए रो रहे हैं, ये सब आपके सामने है। पंजाब के जिस तरह से नतीजे आए हैं, इसको देख करके आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि वाकई कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम में सेटिंग करके इस चुनाव को जीता है, या आपको लगता है कि लोगों का रुझान जो है वो बीजेपी से हट गया है और वो कांग्रेस की तरफ और दूसरी पार्टियों की तरफ जो है वो रुझान जा रहा है? ये महिला कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि ईवीएम का इसमें कहीं पर कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब के अंदर बच्चा बच्चा इस वक्त में, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चा बच्चा इस वक्त में बीजेपी के खिलाफ है। ऐसे में जो नतीजे आए हैं इनमें चौंकाने वाली बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये फिर भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी राय क्या है इस खबर को लेकर के और ईवीएम को लेकर के, जिस तरह से महिला सवाल उठा रही है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।